हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में टिंडल इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे एंड टिंडल इफेक्ट के कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी थ्योरी एग्जाम्स के लिए, उस अकॉर्डिंग आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ जो डेफिनेटली आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो टिंडल इफेक्ट क्या होता है? इफ पावरफुल बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन प्लेस्ड इन अ डार्क रूम, द पाथ ऑफ द बीम बिकम्स विजिबल व्हेन व्यूड थ्रू अ माइक्रोस्कोपिक प्लेस एट राइट एंगल टू द पाथ ऑफ लाइट। द कोलाइडल पार्टिकल्स अपीयर एज पिन पॉइंट ऑफ लाइट मूविंग अगेंस्ट द डार्क ग्राउंड। दिस फिनोमेना इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन टिंडल इफेक्ट का। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सन 1869 में टिंडल ने देखा कि जब प्रकाश की किरण को, ठीक है, जब प्रकाश की किरण को वास्तविक विलयन, ठीक है, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें से अगर गुजारते हैं तो उसमें प्रकाश की किरण का जो मार्ग होता है, ये जो प्रकाश की किरण है, अगर इसको हम ट्रू सॉल्यूशंस, ठीक है, जो हमारा वास्तविक विलयन होता है उससे अगर हम गुजारते हैं तो जो प्रकाश की किरण होती है उसका जो मार्ग होता है, ठीक है, इस सॉल्यूशन से जो उसका मार्ग होगा वो हमको दिखाई नहीं देता है, अदृश्य रहता है। लेकिन अगर इसी प्रकाश की किरण को कोलाइडी विलयन से, ठीक है, अगर हम ट्रू सॉल्यूशन से गुजारते हैं तो हमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर हम कोलाइडी सॉल्यूशन से, कोलाइडी विलयन से अगर प्रकाश की किरण को गुजारते हैं, भेजी जाए, तो प्रकाश का मार्ग जो होता है वो स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसा कोलाइडी कणों के, ठीक है, ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसके जो कोलाइडल पार्टिकल्स होता है उसमें जो है प्रकाश का जो है वो स्कैटरिंग हो जाता है प्रकाश के अणुओं का, जिसके कारण हमको जो है ये दिखाई देता है। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है टिंडल इफेक्ट क्या होता है। बेसिकली टिंडल इफेक्ट को टिंडल ने 1869 में इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया था कि अगर हम पावरफुल बीम ऑफ लाइट्स को कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करते हैं डार्क रूम में तो जो पाथ होता है बीम का वो हमको दिखाई देता है, अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ठीक है, अगर हम राइट एंगल पाथ ऑफ लाइट के राइट एंगल में अगर हम माइक्रोस्कोप को रखेंगे तो हमको ये जो है दिखाई देता है ये लाइट, ठीक है, जो हम कोलाइडल सॉल्यूशन से गुजारते हैं। ठीक है, सो मूविंग अगेंस्ट द डार्क ग्राउंड दिस फिनोमेना, और ये जो फिनोमेना होता है बेसिकली पूरा कॉन्सेप्ट जो होता है इसको टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। अगर हम इसके कंडीशंस की बात करें, ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज शुड नॉट बी वेरी लेस देन द वेवलेंथ ऑफ यूज्ड लाइट। ठीक है, तो पहला कंडीशन है कि जो डायमीटर होगा, जो हमारा पार्टिकल्स है, ठीक है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स होता है उसका डायमीटर जो होगा वो जो हम लाइट यूज करेंगे उसके वेवलेंथ से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डायमीटर ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज। ठीक है, जो पार्टिकल्स होगा कोलाइडल सॉल्यूशंस का उसका जो डायमीटर होगा वो यूज्ड लाइट के वेवलेंथ से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, सेकंड कंडीशन है देयर शुड नॉट बी मोर डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, देयर शुड नॉट बी मोर डिफरेंस, जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम का, जो अपवर्तनांक होता है डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम का, वो जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जो इंटेंसिटी होगा स्कैटर्ड लाइट का, अगर हम लाइट को कोलाइडल सॉल्यूशन से गुजारते हैं तो जो इंटेंसिटी होगा स्कैटर्ड लाइट का इस पार्टिकल्स के कारण वो बेसिकली डिपेंड करता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के डिफरेंस के ऊपर। ठीक है, जैसे इन लायोफोबिक सॉल्यूशंस देयर इज वेरी मच डिफरेंस इन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, जो लायोफोबिक सॉल्यूशन होता है, जो हमारा द्रव विरोधी कोलाइड्स होता है, उसमें जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम का, उसका जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसी कारण देयर फॉर दिस एग्जिबिट्स टिंडल इफेक्ट। ठीक है, इसी कारण ये जो होते हैं ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, जो इंटेंसिटी होता है स्कैटर्ड लाइट का वो बेसिकली रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है, और लायोफोबिक सॉल्यूशन में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, देर इज वेरी मच डिफरेंस इन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम, इसलिए ये टिंडल इफेक्ट जो है शो करते हैं। कौन? लायोफोबिक सॉल्यूशंस। सेम अगर हम लायोफिलिक सॉल्यूशंस, जो हमारा लायोफोबिक मतलब द्रव विरोधी होते हैं और लायोफिलिक सॉल्यूशन मतलब द्रव स्नेही सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अगर इसकी हम बात करें तो पार्टिकल्स आर सॉल्वेटेड, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्वेटेड होते हैं। ठीक है, विलायकित होते हैं। सो
विच रिड्यूस द डिफरेंस ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ पार्टिकल्स, देयरफॉर टिंडल इफेक्ट इज नॉट सीन। ठीक है, तो लायोफिलिक सॉल्यूशन में पार्टिकल सॉल्वेटेड होते हैं जो किसको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को रिड्यूस कर देते हैं, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के डिफरेंस को, जिसके कारण ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। सो फ्रेशली प्रिप्योर्ड सैलिसिलिक एसिड सॉल्यूशन, ब्लड सीरम, एल्ब्यूमिन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे लायोफिलिक सॉल्यूशन है जो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। बाय टिंडल इफेक्ट डिफ्रेंसिएशन ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस एंड कोलाइडल सॉल्यूशन कैन बी डन। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम टिंडल इफेक्ट के द्वारा ही कौन सा सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन है एंड कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन है इसके बीच डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम ट्रू सॉल्यूशंस में प्रकाश की किरण को डालते हैं तो हमको ये जो लाइट का जो बीम होगा ये हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर सेम इस लाइट को अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये बीम हमको दिखाई देता है, तो इससे हम टिंडल इफेक्ट के द्वारा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इट इज वेल नोन द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज कैन नॉट बी सीन बाय ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स होता है डिस्पर्स फेज का, जो हम जो बीम होता है उसको हम ऑर्डिनरी हम ऐसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए हमको जो है माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, लेकिन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से भी हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट वही है कि डिस्पर्स फेज कैन नॉट बी सीन बाय ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। ठीक है, नग्न आंखों से तो देख नहीं सकते ही है, साथ ही साथ माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, तो इसको देखने के लिए एक स्पेशल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ी, जिसको 1903 में जसिमंडी ने इन्वेंट किया, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो ये जो टिंडल इफेक्ट का पूरा प्रोसेस होता है इसको हम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, तो इसी को देखने के लिए जसिमंडी ने 1903 में अल्ट्रा माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया, जिससे हम क्या कर सकते हैं, टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। टू ऑब्जर्व पार्टिकल्स बीम ऑफ लाइट इज थ्रो इन कोलाइडल सॉल्यूशन एंड अल्ट्रा माइक्रोस्कोप इज अरेंज इन राइट एंगल of light beam, particles of dispersed phase can be seen thus in form of shining sphere. ठीक है, तो सिंपल सा ये पूरे थ्योरी पॉइंट्स हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, ये आप एक्सपेरिमेंट जो है लिखोगे, अपने से भी आप लिख सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया, तो उसके बाद आप ये कंडीशंस लिख सकते हैं, ये बेसिक जो है इसका थ्योरी पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो ये है टिंडल इफेक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको लिक्विड स्टेट, कोलाइडल स्टेट, सरफेस स्टेट नाम का जो यूनिट है बीएससी फर्स्ट ईयर में, उसमें आपको मिल जाएगा, एंड आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, मे बी आपको आपके दूसरे सेमेस्टर में ये टॉपिक देखने को मिले, बट इम्पॉर्टेंट है थ्योरी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, आप अपने थ्योरी एग्जाम्स में ये पूरा पॉइंट लिख सकते हैं, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, एंड ये नोट्स आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड अगर आपको आगे की वीडियोस देखने हैं तो प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए, एंड अगर आपको एमएससी एंड बीएससी लेवल के हेरिटन नोट्स चाहिए तो उसके पीडीएफ स्टोर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं एंड वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।